हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई में स्वागत है। आज की रेसिपी है सम्मक के चावल की खिचड़ी बनाना। तो आइए बनाते हैं सम्मक के चावल की खिचड़ी। ये हमने एक कटोरी सम्मक के चावल लिए हैं और दो हमने आलू लिए हैं। इसको हमने टुकड़ों में इस प्रकार से छोटे कट कर लिया है। दो बड़े टमाटर लिए हैं, इनको भी हमने बारीक कट कर लिया है। तीन हरी मिर्च ली हैं, इनको भी हमने बारीक कट कर लिया है। और चौथाई चम्मच जीरा और चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद अनुसार लिया है। तो आइए बनाते हैं सामक के चावल की खिचड़ी। सबसे पहले मैं ये सामक के चावल को अच्छे से धो लूंगी पानी से। और ये मैंने सामक के चावल को अच्छे से धो लिया है, इसे मैं एक साइड में रख दूंगी। और ये मैंने कुकर लिया है, मैं सामक के चावल की खिचड़ी कुकर में बनाऊंगी। दो चम्मच के आसपास मैं इसमें देसी घी डाल रही हूं। घी हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये जीरा डाल दूंगी। जीरा को चटकने दूंगी मैं। और जीरा हमारा चटक चुका है, अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर और ये सेंधा नमक भी डाल दूंगी। और इसे मैं मसाले को अच्छे से भून लूंगी थोड़ा सा। टमाटर हमारे भून चुके हैं, अब मैं इसमें ये हरी मिर्च डाल दूंगी। साथ ही ये कटे हुए आलू डाल दूंगी मैं। ये हमारे आलू और टमाटर का मसाला तैयार हो चुका है, अब मैं इसमें ये सामकिया डाल दूंगी। अब मैं पानी डालूंगी। ये मैंने एक कटोरी ये मैंने टोटल चार कटोरी पानी लिया है। जिस कटोरी से मैंने सामक चावल लिए थे वही कटोरी मैंने चार कटोरी पानी लिया है। मैं ये पानी इसमें डाल दूंगी। हमें खिचड़ी तैयार करनी है, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा पतला ही रखना है खिचड़ी को। अब मैं इसमें कुकर के अंदर दो विशल लगा लूंगी। ये हमारे कुकर में दो विशल आ चुकी हैं, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब स्टीम निकलने तक का इंतजार करेंगे हम। और ये हमारे कुकर की स्टीम निकल चुकी है और अब हम इसे चेक करेंगे। ये देखो हमारी खिचड़ी कितनी अच्छे से बनकर तैयार हुई है। इसे मैं एक बाउल में सर्व करूंगी खिचड़ी को। ये हमारे सामक के चावल की खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।